हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू मनीषा रानी व्लॉग्स। सो आज है 27th of June और आज मेरा एग्ज़ाम है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा था। मॉर्निंग में थोड़ा लेट उठी थी मैं, उसके बाद नहा धो के और मैं तैयार थी, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम जो है वो आफ्टरनून शिफ्ट में है। बट जैसा कि आपको बता दूं कि एसएससी जो भी एग्ज़ाम लेता है ना, वो आपको जैसे कि अगर आपका 11:15 से एग्ज़ाम है आपका, तो आपको हाफ़ एन आवर या 1 आवर पहले ही जाना होता है सेंटर पे, गेट क्लोज़ हो जाता है। तो मैं जल्दी जल्दी से रेडी होके अपना सोच रही थी कि ब्रेकफास्ट वगैरह करके चल दूँ जल्दी से, ताकि मैं लेट ना हो जाऊँ। तो अभी मैं पी रही हूँ चाय, लेकिन मेरा पूरा मन जो है ना अंदर से बहुत ज़्यादा ही विचलित है, क्योंकि एग्ज़ाम होने वाला रहता है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा टेंस्ड फील करने लगती हूँ। बट यहाँ पे मैंने पता नहीं कौन सा जोक मारा था, वो मुझे अभी याद नहीं है। वो जोक मार के मैं हंस रही थी, सडनली बाहर से ना तेज़ हवा चलने का आवाज़ आता है और ऐसा फील होता है कि बारिश जस्ट हो रहा है या तो अभी होने लग जाएगा। तो मैं तो भाई एक मौका मिस नहीं करती हूँ बाहर छत पे टहलने का। आती हूँ तो देखती हूँ मेरे गार्डन एकदम झूम झूम के इंजॉय कर रहे थे, इतना अच्छा हवा चल रहा था बाहर। और सुबह सुबह जब आप नहा धो लेते हो ना, तो उसका एक अलग ही वाइब आते रहता है। तो मैं चाय लेके वॉक कर रही थी, ऐसे तो अभी 8:30 बजने को थे, बट जैसे कि बादल लगाया हुआ था ना, तो धूप नहीं था, इसके वजह से मैं खुल के टहल पा रही थी छत पे। नहीं तो अभी तो इतना गर्मी में ना ऐसा गंदा वाला धूप निकल जाता है मॉर्निंग मॉर्निंग उठते ही। आप तो 6 बजे के बाद तो आप बाहर बैठ नहीं सकते हो धूप में शाम के 6 बजे तक। सो या मैं अपना चाय ख़त्म करके आती हूँ और सोचती हूँ कि चलो रेडी हो जाऊँ थोड़ा सा। रेडी होने का मीन्स कि मुझे कोई पार्टी वार्टी में तो जाना था नहीं, बट लड़की हूँ ना, तो थोड़ा सा तो ऐसा अपना फेस चमकाना बनता है। तो मैंने हल्का सा पाउडर अप्लाई किया था अपने फेस पे, और उसके बाद मेरी चोरी पकड़ी गई थी ना, मैं रेडी हो रही थी और कैमरा में शूट हो रहा था, तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा था, इसलिए मैंने गलत ही काजल अप्लाई कर लिया था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा अप्लाई कर लिया था। अब मैं थोड़ा सा अपने आईब्रो को भी फिल कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना मेरे फेस पे आईब्रो ही कम है, तो उसको थोड़ा फिल करना तो बनता है। और अभी मैं पूरा चेक कर रही हूँ और बिंदी देखो मैंने कहाँ पे चिपका रखा था। हाय फ्रेंड्स, आज है मेरा एग्ज़ाम एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 का। तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रही हूँ। ऐसे तो मेरा मंथ में 2-3 एग्ज़ाम हो जा रहा था, बट इधर काफ़ी गैप मिल गया है, उसकी वजह से ना थोड़ा घबराहट सा होने लगता है। चलिए अब चेक कर लेते हैं कि मेरा जो ये बैग है जिसमें मैं अपना एग्ज़ाम का जो भी कुछ होता है रिलेटेड चीज़ वो है कि नहीं है। सबसे पहले तो देखो दूसरे एग्ज़ाम का भी एडमिट कार्ड मैंने इसी में रखा हुआ है। ये रहा एडमिट कार्ड और ये रहा उसके साथ कोविड का फॉर्म भी भरना पड़ता है, ये तो है मेरे बैग में। उसके साथ यस, हेयर इज़ माई, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा ही सबसे मेन वर्क है मेरा आधार कार्ड, जिसमें मेरा शक्ल एकदम कलुआ के जैसा दिखता है। और अब मैंने फ़ोटो कहाँ रख दिया, एग्ज़ाम रिलेवेंट जो फ़ोटो है मेरे पास ढेर सारा। ये देखिए आप लोग, इसमें मैं कितनी मोटी भैंस लग रही हूँ। वह नहीं, इतना जूम नहीं करना था। और उसको देखने के बाद मैं आ जाती हूँ भगवान जी के पास अपनी अर्जी लगाने की। यार भगवान जी, इतना दिन से तो विश मांग रही हूँ, कोई सा एक सा भी तो मुझे सक्सेस दे दो, एक कोई अच्छा सा जॉब मेरा निकल जाए, ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए, फिर एटलीस्ट मैं ये विश तो नहीं मांगूंगी ना आपसे। अब भगवान जी तो उनसे हमेशा कुछ ना कुछ तो मांगते ही रहती हूँ ना, तो फिर भगवान जी का आशीर्वाद लेके और अपनी मम्मी का आशीर्वाद ले लेती हूँ, फिर निकल जाती हूँ अपने एग्ज़ाम सेंटर की तरफ, जो कि मेरे घर से काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो मैं थोड़ा जल्दी ही निकली थी, 1-2 घंटे पहले ही निकल जाती हूँ, थोड़ा टाइम ले के जाती हूँ। तो अब देखो मैंने विश्वकर्मा भगवान जी को प्रणाम कर लिया है, क्योंकि रोड पे ना आप सही चलाओ ना चलाओ, अगले इंसान का तो कोई भरोसा होता नहीं है। तो ये सोच के मैं हमेशा भगवान जी को प्रणाम करके ही घर से निकलती हूँ कि हे भगवान, दूसरों को भी ना ऐसा सोच दो कि वो आके मुझे धक्का ना मारे। और फिर रास्ते में पेट्रोल पंप दिख जाता है, तो मैं सोचती हूँ कि चलो टंकी फुल करा लिया जाए।
फुल नहीं, मतलब फ्रेंड्स पेट्रोल अभी बहुत महंगा है ना, तो मैं फुल नहीं कराऊंगी टंकी, मुझे जितना नीड होगा मैं उतना का ही पेट्रोल लूंगी। तो यहाँ पे भैया जो है वो पेट्रोल फिल करने लग जाते हैं और मैं पता नहीं क्या देख रही थी वहाँ पे खड़े होके। उसके बाद मैं फिर से अपना गाड़ी स्टार्ट करती हूँ और अब मैं फिर जाऊँगी काफ़ी दूर, जैसे कि अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कितना सुंदर नज़ारा लग रहा था। अभी भी आप लोग ये मत सोचना कि हम लोग जो अपने डेस्टिनेशन के करीब पहुंच गए, अभी भी काफ़ी ज़्यादा दूर था। और ये देखो बग्गी वाला गाड़ी, और ना वो ना एक्सीडेंटली कैप्चर हो गया, तो मैं ऐसे ही रैंडम वीडियो शूट कर रही थी और अचानक से सामने से वो बग्गी वाले भैया आ गए थे घोड़ा गाड़ी लेके। फिर उसके बाद मैं पहुंच जाती हूँ वहाँ पे और इतना ज़्यादा धूप गर्मी था ना, ऐसे तो मैं घर से निकल रही थी उस टाइम बादल था, हल्की फुल्की बूंदी पड़ रही थी, बट वहाँ जाते टाइम रास्ते में बहुत ज़्यादा धूप लगा था। फिर मैं गूगल मैप से रास्ता देख के ना एक गाँव में गुम भी हो गई थी, तो बहुत गला सूख रहा था मेरा डर के मारे। तो पानी वानी पी के ऑल सेट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने अपना एडमिट कार्ड निकाल लिया, फिर मैं अपना फ़ोटो सर्च कर रही थी, उसके बाद आधार कार्ड भी तो लेके जाना होगा ना, फिर ये भी चेक करना होता है कि क्लिप ये सब जितना भी अपने मुंडी में लगा रखा है उसको भी निकालना है, कोई रिंग वगैरह नहीं होना चाहिए। जैसे आप लोग देखते होंगे मैं कभी भी ना अपने नोज पिन को नहीं पहन पाती हूँ, इयर रिंग्स नहीं पहनती हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना ये सब रिस्ट्रिक्शन होता है, एग्ज़ाम हॉल में आप नहीं पहन के जा सकते, तो इसके लिए मैं ये सबको अवॉइड ही करती हूँ कि चलो जब मेरा जॉब हो जाएगा ना उसके बाद ही मैं ये सब पहनूंगी फिर से। तो मैं यहाँ पे डिक्की बंद कर देती हूँ, उसके बाद सोचती हूँ कि चलो थोड़ा सा रिलैक्स कर लिया जाए। और यहाँ पे इतना गंदा कचरा का बदबू आ रहा था, तभी अचानक से मेरी नज़र पड़ती कि अरे देखो ट्रेन जा रहा है, तब तक ट्रेन चला जाता है। सो फाइनली एग्ज़ाम ख़त्म करने के बाद देखो मैं ये कैसा सेक्रेट सा सुरंग वाले रास्ते से जा रही हूँ। इतना छोटा रास्ता था, मैं तो सोच रही थी कि यार इधर से जाऊँगी कैसे, और रात में तो पक्का इसमें भूत रहता होगा, ऐसा गंदा वाला रास्ता था। उसके बाद मैं एक गांव से होते हुए वापस आ रही होती हूँ, ये देखो, क्योंकि ना फ्रेंड्स उधर पे ना पुल बन रहा था, और आप लोगों को आज मैं एक बहुत अच्छे जगह पे घुमाने वाली हूँ। ये देखो यहाँ पे सारे भैया लोग क्रिकेट खेल रहे थे, एक मंदिर भी है। मैं अक्सर इधर से आते जाती रहती हूँ, ऑलमोस्ट समझो कि 2 ईयर्स से इधर से मेरा आना जाना है, क्योंकि एक शॉर्टकट रास्ता है ये, इधर पर जाम नहीं मिलता तो मैं बीचों बीच निकल जाती हूँ। लेकिन आज तक मेरी हिम्मत नहीं हुई थी, या फिर ये बोलो कि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं रुक के यहाँ पे थोड़ा सा इंजॉय कर पाऊँ। जब ना बारिश का टाइम होता है तो यहाँ पे अच्छा खासा पानी जम के और बहुत सुंदर नज़ारा लगता है, तभी मेरी नज़र पड़ती है कि अरे यार देखो वहाँ पे तो कमल का फूल खिला हुआ है। तो मैंने सोचा चलो यार आप लोगों के बहाने मैं भी थोड़ा सा घूम लेती हूँ यहाँ पे। तो फिर मैं चलते चलते चली जाती हूँ और काफ़ी करीब से मैंने कमल का फूल, इतने मतलब इतने अपना जीवन में मैंने फर्स्ट टाइम इतने पास से कमल के फूल को देखा था, खेत में खिला हुआ। ऐसे तो मार्केट में बिकता है तो देख ही लेती हूँ, आप सब भी देखते होंगे पूजा के टाइम पे, लक्ष्मी पूजा में खास करके वो मिलता है। ये देखो यहाँ पे किसी ने रंगोली बनाया हुआ था, और बहुत सारे भैया लोग ना क्रिकेट खेलना छोड़ के वहाँ पे जाके ना लोटस के फ्लावर्स को वहाँ पे तोड़ रहे थे। तो मैंने सोचा कि पहले मुझे लगा कि अरे यार सूखा है मैं भी चली जाती हूँ, फिर नज़र गया कि यहाँ पे तो गंदा कीचड़ है, गिर जाऊँगी ना तो सब मज़े निकल जाने हैं। फिर मैं सोचती हूँ कि भैया लोग से रिक्वेस्ट करूँ या ना करूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कहीं गलत ना सोच ले। फिर मैं सोचती हूँ हिम्मत करके पूछती हूँ बार बार कि भैया से पूछे, तो चलो एक बार पूछ ही लेंगे भैया से ये भी कि भैया आप मेरे लिए ये वाले सुंदर फ्लावर्स ला देंगे क्या, देखो यार कितने प्यारे हैं। और अंदर ना पानी में इतने सारे आप देख नहीं पा रहे होंगे क्योंकि मेरे कैमरा की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, बहुत सारे ना हंस थे ना बत्तख था, इतना सुंदर लग रहा था। अगर शाम का टाइम होता तो मैं तो वहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठ जाती। और फिर भैया को मैंने बोला कि भैया आप मेरे लिए फ़्लावर ला दोगे, तो वो भैया इतने अच्छे थे ना कि उन्होंने जो अपने लिए 2 फ्लावर तोड़ा था वो मुझे दे दिया। उन्होंने बोला कि आप घर जाके पानी में रख देना तो ये खिल जाएगा। तो मैंने भैया को थैंक यू बोल के आप सभी को सोचा कि चलो मैं यहाँ का सुंदर नज़ारा दिखा ही दूँ। और इतना अच्छा सीन था यार कि घर वापस आने का मन नहीं कर रहा था, अगर उस टाइम बारिश हो जाता ना तो मुझे तो बहुत मज़ा आने वाला था, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और फाइनली मुझे वहाँ से निकलना पड़ता है वापस।
वहाँ से आगे बढ़ने के बाद मुझे ना रास्ते में एक और बहुत खूबसूरत सा मंदिर दिखता है, जो कि मुझे हमेशा दिखता है और मुझे बहुत मेरा दिल करता है कि मैं वहाँ पे जाऊँ, थोड़ी देर बैठूँ। एक बार मैं आ रही थी ना तो काफ़ी ज़्यादा शाम हो गया था उस टाइम पे, मैं मुझे ये मंदिर मिला बट मैं वहाँ पर रुक नहीं पाई थी डर के मारे। तो ये आज का जो है ना ब्लॉगिंग, ये बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने इसे दो पार्ट में कर दिया। तो मैं वहाँ से आने के बाद ना सो जाती हूँ और उसके बाद फिर हम लोग शाम में अदरा सेलिब्रेट करते, तो आप लोग पार्ट टू ज़रूर देखना।